वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता पर। भारत को पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप जिताने वाले टीम इंडिया के पूर्व कप्तान कपिल देव की शुक्रवार को हालत बिगड़ गई, जिसके चलते उनको दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। खबरों के मुताबिक कपिल देव को दिल का दौरा पड़ने के बाद भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टर्स ने उनकी एंजियोप्लास्टी की। फिलहाल कपिल देव की हालत ठीक बताई जा रही है। उधर कपिल देव की सेहत को लेकर अस्पताल ने बताया कि 62 वर्षीय पूर्व क्रिकेटर को दिल का दौरा पड़ने के बाद 23 अक्टूबर की रात 1 बजे फोर्टिस अस्पताल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में भर्ती कराया गया था, जहां जांच के बाद उनकी आपात कोरोनरी एंजियोप्लास्टी की गई। बता दें कि एंजियोप्लास्टी ब्लॉक हुई धमनियों को खोलने की प्रक्रिया है, ताकि हृदय में सामान्य रूप से रक्त संचार हो सके। फिलहाल कपिल देव डॉक्टर्स की निगरानी में हैं और उनकी हालत अब स्थिर है, और हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में ही उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाए। वहीं यह खबर जैसे ही बाहर आई कि कपिल देव के चाहने वाले उनकी अच्छी सेहत की दुआ करने लगे। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने कपिल देव के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना की और एक ट्वीट किया। वहीं वीवीएस लक्ष्मण ने अपने ट्वीट में लिखा, गेट वेल सून कपिल पाजी। सचिन तेंदुलकर ने भी कहा, अपना ध्यान रखें, आपके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। आपको बता दें कि कपिल देव ने भारत के लिए 131 टेस्ट और 225 वनडे मैच खेले हैं। उनके नाम टेस्ट में 5000 से ज्यादा रन और 400 से ज्यादा विकेट दर्ज हैं। वनडे में उन्होंने 3783 रन बनाने के साथ साथ 253 विकेट भी झटके हैं। फिलहाल इस दिग्गज क्रिकेटर के लिए दुनिया भर में दुआओं का दौर शुरू हो गया है। इस रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन कपिल देव की सेहत से जुड़े हर बड़े अपडेट के लिए आप बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।